अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे द ऑल न्यू इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के बारे में। अब ये जो फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट में बहुत जल्द आने वाला है, यानी कि यार बहुत जल्द, सीरियसली इसकी जो स्पेसिफिकेशन रखी है इन्फिनिक्स ने, सीरियसली आउटस्टैंडिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन का बॉक्स, साथ साथ लॉन्च डेट, प्राइस इन पाकिस्तान सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में अगर पहले चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियो से सब नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई हमेशा की तरह बात को स्टार्ट कर लीजिए स्मार्टफोन डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको 6.95 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, फुल HD की रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। साथ ही स्मार्टफोन को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात लगी है मुझे, क्योंकि इन्फिनिक्स जो पहले फोन से था उसमें इतनी कोई अच्छी प्रोटेक्शन नहीं देता था। लेकिन यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, साथ फुल HD की रेजोल्यूशन और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और साथ प्रोटेक्शन भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। यहीं पर अगर मैं बात करूँ ना स्मार्टफोन मेमोरी की, तो यहाँ पर आपको 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। इस प्राइस रेंज के अंदर इतना यार कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि हमें 256 GB की स्टोरेज दे विदाउट एनी SD कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 GB की रैम, LPDDR4X की रैम टाइप देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाए, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है वो मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं करता UFS की स्टोरेज को। लेकिन अगर हो सके तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यार यहाँ पर आपको UFS की स्टोरेज भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ ना स्मार्टफोन मेन चीज़ की जो कि इन्फिनिक्स टीज भी कर रहा है, तो वो है स्मार्टफोन प्रोसेसर। यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G95 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसके एंटूटू के ऊपर जो स्कोर आते हैं वो 3 लाख तक के आते हैं, यानी कि 3 लाख तक के आपको स्कोर देखने को मिलते हैं एंटूटू बेंचमार्क्स के ऊपर। यानी कि यार इस स्मार्टफोन परफॉर्मेंस होने वाली है वो नो डाउट काफ़ी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको ऑक्टाकोर का CPU देखने को मिलेगा 2.4 GHz के साथ। यहीं पर अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की कैमरा सिचुएशन की, तो भाई बैक पे आपको क्वाड कैमरा से सेटअप देखने को मिलेगा। मेन कैमरा जिसमें 64 MP का है, साथ 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर। अब शुक्र है इनफिनिक्स लोगों को अकल आ गई कि 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी देना है, ताकि हम इसे रेलू खट्टा सेंसर ना कह सकें। इसके अलावा इनफिनिक्स नोट 8 के अंदर आपको हीलियो G80 का प्रोसेसर देखने को मिलता था, 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता था। लेकिन हीलियो G80 प्रोसेसर जो है मैक्सिमम 48 MP को सपोर्ट करता है, ना कि 64 MP को सपोर्ट करता है। अब हीलियो G95 एक ऐसा प्रोसेसर है जिसके एंटूटू के ऊपर स्कोर 3 लाख आते हैं, और यह जीरो प्रोसेसर है, ऑलमोस्ट सभी सेंसर को सपोर्ट कर लेता है सिवाय 108 MP के। ये कैमरा जो है इसकी इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। फ्रेम पे आपको सिंगल पंच होल देखने को मिलेगा मिडल के अंदर, जो कि है 16 MP का। यार ओवरऑल कैमरा के ऊपर भी इन्फिनिक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया होगा इस बार, जो था मेरा ख्याल है, क्योंकि पिछली बार इन्फिनिक्स नोट 8 सीरीज़ के अंदर हमने इनके कैमरे को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। बट अगर मैं बात करूँ ना इस स्मार्टफोन बैटरी की, 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी को ये 1 घंटा 20 मिनट लेता है फुल चार्ज करने में, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात लगी है। बट आपका स्मार्टफोन के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में लाजमी तौर पर बताइएगा। अगर मैं बात करूँ ना स्मार्टफोन लॉन्च डेट इन पाकिस्तानी मार्केट, तो भाई ये फोन जो है हमें नाइजीरियन कंट्रीज के अंदर 15 अप्रैल को देखने को मिल रहा है। और यार 15 अप्रैल मतलब 15 से 20 दिन के अंदर जब नाइजीरियन कंट्री के अंदर इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन लॉन्च होते हैं, साथ ही 15 से 20 दिन के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में वो स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्मार्टफोन हमें मई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। बट आपका स्मार्टफोन के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में बताना। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को लेकर। अगर बात करें स्मार्टफोन प्राइस इन पाकिस्तानी मार्केट, ये स्मार्टफोन हमें 35 या 36 हज़ार में देखने को मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में। मुझे काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, फोन कैसा लगा सारा कुछ कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाकर ऑल पे क्लिक कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।